What's up guys and welcome back to another video and दोस्तों आज मैं आपके लेके आ चुका हूँ यार ये दिन में दूसरी वीडियो है या फिर पता नहीं 12 एक बजे कब आ रही है ये। बस मैंने सोचा यार कि फाइनली जो अपडेट है Redmi Note 7 Pro के लिए वो उसके अंदर आ चुका है Android 10 का, तो मैंने सोचा वीडियो बना के आपको अवेयर कर दूं यार अपडेट आ गया जाके कर लो और काफी कमाल के यहाँ पे आपको नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं इस अपडेट के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर यूज लेट्स बिगिन। तो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन दबा दो ताकि आगे जाके आप इस चैनल से रिगार्डिंग आपको जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप मिस ना कर दें। एंड दोस्तों इस वीडियो को मैं सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ क्योंकि पिछली बार शूट करने के टाइम पकवा में जो है पोको पकवा एक ही बात उसमें अपडेट आया था MIUI 12 का एज अ बीटा टेस्टर, तो उसमें एक कमाल का बग आया जिसको हम कहते हैं नो ऑडियो बग। मतलब आधी वीडियो रिकॉर्ड हो गई और आधी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो गई उसकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये एक बग देखने को मिल गया मेरे को इस फोन के अंदर, रिपोर्ट करूंगा बीटा रोम के अंदर है वैसे भी। तो अब बात कर लेते हैं, अपना दुख दर्द बाद में सुनाऊंगा मैं आपको। तो अभी हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में, आज के मुद्दे के बारे में। तो आज का मुद्दा है MIUI 11 Android 10 Redmi Note 7 Pro। तो भाई ये मुद्दा जो है मैंने उठाया है, इस मुद्दे की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम चल जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, अबाउट फोन के अंदर, वाईफाई नहीं अबाउट फोन के अंदर, सिस्टम अपडेट के अंदर, एंड यहाँ पे जाके आपको नया वर्जन जो है वो देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये जो वर्जन है इस वर्जन का नाम है MIUI 11.0.2.0 स्टेबल। भाई इसमें तो MIUI 11.0.10 हाँ भाई इसमें MIUI 0.10 चल रहा था मानता हूँ, मेरे को समझ आ गई पर कुछ नहीं होता भाई। हाँ हाँ भाई वो ही चल रहा था, पर ये शॉमी वाले जो है ना इनको पता नहीं भाई, ये टाइम ट्रेवल करते हैं। ये इन लोगों ने क्या करा, इन लोग गए पिछले जमाने टाइम में, पहले चले गए ये, ठीक है इनके पास टाइम मशीन है, ये टाइम ट्रेवल करा और पहले उन्होंने अपडेट तैयार करके रखा हुआ था, फिर वो उन्होंने कचरे में फेंक दिया गलती से, तो वो अपडेट जो है उन्होंने टाइम ट्रेवल करके उठाया एंड वो प्रेजेंट में आके और हमें यहाँ पे बस डाल दिया अपडेट। अब समझ आई भैया? हाँ, तो ये इस तरह से ये लोग काम करते हैं भैया शाओमी वाले। तो ये इन्होंने इसलिए जो है अपडेट को पीछे करते रहते हैं धक्के मार मार के, कुछ पता चले अभी MIUI 11 को MIUI 10 कर दें ये भी हो सकता है। तो कुछ चिंता मत करना यार, डाउनग्रेड होएगा ये वर्जन, बट इसमें आपको कोई डेटा इरेज नहीं होगा ये मैं आपको बता दूँ। तो अभी हम बात करते हैं भाई बेसिकली इस अपडेट के अंदर आपको देखने को क्या मिल जाता है। तो अब जो है हम एक खतरनाक से सेक्शन में जाने वाले हैं जिसको व्हाट्स न्यू का नाम दिया गया है Xiaomi की तरफ से, यानी कि उस सेक्शन में बताया जाएगा कि इस अपडेट के अंदर बेसिकली क्या कुछ नया आया है। तो यहाँ पे अगर हम चल जाएं इसके अंदर एंड व्हाट्स न्यू सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आपको जाके ओ भाई देखो ये हर बार व्हाट्स न्यू में आके ना इसको शर्म आ जाती है मेरे कैमरे को और ये फिर से मतलब फ्लिकरिंग शुरू कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है तीन चीजें लिखी हुई इसमें बड़ी खतरनाक, सुनो। सबसे पहले लिखी हुई है स्टेबल MIUI बेस्ड ऑन Android 10। तो भैया इसमें आपको स्टेबल बेस देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया बात है ये, तो सही बात है भाई स्टेबल है काफी ज्यादा बिना लैगी है। बट ये बात है जब स्टार्टिंग में आया था तो काफी ज्यादा लैग कर रहा था बट अब बिल्कुल ही स्टेबल है। नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है अपडेटेड सिक्योरिटी पास लेवल टू जुलाई 2020 नाइस। तो भाई अभी जो डेट है ना आज, एक मिनट यार, 10 अगस्त हो गई है और अब हमें मिल रहा है यार जुलाई का सिक्योरिटी पास लेवल। जैसे कि मैंने आपको बोला ये टाइम ट्रेवल करते हैं तो पिछले वाला दिन उन्होंने फिर से दे दिया, तो ये जो करना ये चल रहा है, इस बात का शुक्र मनाओ कि भैया इन लोगों ने जून का ही वापस रिपीट ना करके नॉट अपडेटेड सिक्योरिटी पैच ना लिख दिया, एनीथिंग कह दो ये कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, ओ माई गॉड इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी, इन्होंने सिस्टम की सिक्योरिटी को इंक्रीज किया, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे दोस्तों क्या इशू आ रहा था आपको पता होगा Xiaomi डिवाइसेस के अंदर, एक आ रहा था सिक्योरिटी ऐप दुनिया भर के परमिशन लेके बैठा होता है, दूसरा जो इशू आ रहा था वो आ रहा था बैंड ऐप्स का यानी कि क्लीन मास्टर का। तो क्लीन मास्टर आपको मैं दिखाई देता हूँ, तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी ऐप चले जाते हैं एंड क्लीनर एंड ये इस पर चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाके कि भैया यहाँ पे आपको अगर डेफिनेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे टॉप पे आपको जो है अपना क्लीन मास्टर साहब देखने को मिल जाते हैं। ये भी इन्होंने इशू को सॉल्व कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने क्लीन मास्टर था उन्होंने क्लीन मास्टर कर दिया, तो ये जो क्लीन मास्टर को उन्होंने क्लीन करने के बजाय मास्टर बना दिया, तो इन्होंने सिक्योरिटी इशू सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली बात ये है कि Xiaomi वालों ने बोला है कि हम जितने भी बैंड ऐप्स उसको कोड में डालेंगे और एक MIUI का डिफरेंट वर्जन पूरे इंडिया के लिए लेके आएंगे। तो कब लेके आएंगे वो मुझे नहीं पता, बट जब भी लाएंगे आई एम वेटिंग फॉर इट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट सिक्योरिटी इशू आ रहा था, तो वो जो था भैया इशू वो था ये वाला, अगर हम यहाँ चल जाऊँ मैं ऐप इन्फो के अंदर,
तो ऐप परमिशंस जो है ये दुनिया भर की ऐप परमिशंस लेके बैठा होता था। तो भैया जो ऐप परमिशंस है अब ये जो चीज़ है ये अभी भी लेके बैठा हुआ है। तो भाई कहाँ पे सिक्योरिटी इशू सॉल्व किया है मेरे को जवाब चाहिए, आई नीड आंसर्स। उसके बाद दोस्तों एक चीज मैंने अभी फिलहाल नोटिस करी, मैंने ना MIUI 12 का ऐप इसमें APK डाल रखा था पर मैंने उसको अपडेट को डिलीट कर दिया था, अनइंस्टॉल कर दिया था, फिर मैंने उसको गेट ऐप से जाके दोबारा से अपडेट किया था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गेट ऐप से अपडेट करने के बाद भी जब MIUI 11 का वर्जन MIUI 12 के सिक्योरिटी ऐप के वर्जन से कैसे रिप्लेस हो सकता है और इसमें MIUI 11 वर्क कर रहा है। तो व्हाट इज दिस, मुझे ये अजीब ही चक्कर हो रहा है भाई, इसमें बहुत कुछ हो रहा है। जो बेसिकली इन सारी चीजों के अलावा इसमें क्या आया भैया, इन आपको जेस्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ओ माय गॉड जेस्टर्स आ गए, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया। हाँ तो जेस्टर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं वो डंडा सा आ गया नीचे, जिस डंडे का मैं वेट कर रहा था K20 Pro के अंदर, बट उसमें पोकल लॉन्चर साहब बैठे हुए हैं तो वो डंडा उसमें नहीं आएगा। तो डंडा आप इसमें देख लीजिए, तो ये डंडा आ गया और ये डंडा काफी कमाल का है क्योंकि ये काफी अच्छे काम करता है। डंडे की बदौलत हमें नए वाले जेस्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेटिंग्स मेन्यू में खोला और देखो भाई क्या तगड़ी यहाँ पे एनिमेशन आती है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है डंडे की बदौलत। उसके अलावा यहाँ पे आपको रिसेंट मेन्यू के एनिमेशन पे भी चेंज है, तो देख सकते हैं साइड से आते हैं काफी यहाँ पे बढ़िया लगते हैं, मेरे को तो यार काफी अच्छे लगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें एंड्रॉइड 10 के जेस्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, मतलब वो स्वाइप वाइप करके आप ऐसे घूम फिर सकते हैं, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो भाई जेस्टर्स फाइनली इज हियर, बहुत ही मजा आ गया। एंड यहाँ पे एंड्रॉइड 10 जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें एंड्रॉइड 10 भी आ गया है, तो हियर इट इज एंड्रॉइड 10। अब यहाँ से इसको एंड्रॉइड 10 बनाइए, इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे ऐसे घुमाइए, घूमता भी है ना शायद, तो हाँ ऐसे घूमता है ना ये। चलो जी बन गया भाई एंड्रॉइड 10, तो एंड्रॉइड 10 भी आ गया है इसमें, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई यही कुछ आया था Xiaomi के अपडेट के अंदर, बेसिकली इसके अलावा कुछ नहीं आया। इसके अलावा वही आपकी जो फालतू बन की चीज़ें, मतलब जैसे प्राइवेसी का अलग पेज बनाना, लोकेशन का अलग पेज बनाना, उसको ऊपर नीचे कर लेना, जो हर फोन में आया था वो आपको देखने को मिल जाता है। सिर्फ एक्स्ट्रा इसमें जेस्टर्स आए हैं। ये अपडेट अभी OTA नहीं आया है, मेरे फोन में तो नहीं आया, ये फेज मैनर में है। तो अगर आपको अपडेट करना है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके चूज अपडेट पैकेज में जाके आपको फ्लैश कर दीजिए एंड ये फ्लैश हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास ये जेस्टर्स एनिमेशन नहीं आती है तो मुझे बताएं, मैं आपको डीम कर दूंगा या फिर आपको मैं टेलीग्राम या कहीं भी लिंक दे दूंगा अपने जो सिस्टम लॉन्चर में चला रहा हूँ उसका। मैं नॉर्मली चला रहा हूँ, मैंने कोई अल्फा वर्जन नहीं यूज़ कर रहा, बट मैं जो भी चला रहा हूँ आपको उसका लिंक दे दूंगा। अगर नहीं आता तो आप वो वाला लॉन्चर यूज़ कर देखना, शायद आपके पास जेस्टर्स आ जाएं। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, इतना ही मैं आपके लिए बोलना चाहता था आज। अपना मेरा जो प्रवचन और मुद्दा है वो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आप चैनल पे नए हो, एक चीज भूल गया यार, इसमें आपको MIUI वाली बूट एनिमेशन नहीं, इसमें MIUI वाली बूट एनिमेशन नहीं, सॉरी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन भी दबा दो ताकि आगे जाके आप ऐसी वीडियोस मिस ना कर दें। एंड लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने Redmi Note 7 Pro वाले फ्रेंड्स के साथ जिन्हें नहीं पता कि भाई अपडेट आ गया, तो भाई अपडेट कर लो, मत्था मारो इसमें, अपडेट करो, तगड़ा फीचर आया है, जेस्टर्स आ गए, जेस्टर्स आई लव इट, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट। तो एंड में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर किसी Xiaomi फैन को बुरा लग गया हो तो यार मेरे को माफ कर देना, मेरा बस यही था कि आपको थोड़ा हंसा दूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत नया तरीके का कुछ ट्राई किया, तो यही बोलना चाहता हूँ। अगर बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। तो चलो वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है, चलो बाय।